दर्शकों, मैं दिव्या खोबरे और आप देख रहे हैं जेटीवी भारत। आइए रुक करते आज के मुख्य समाचारों की ओर। भारतीय मजदूर संघ का 20वां त्रैवार्षिक अखिल भारतीय अधिवेशन 7-9 अप्रैल 2023 को बिहार के पटना शहर में संपन्न हुआ, जिसके तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन दिया। अधिवेशन में निम्न प्रस्ताव पारित किए गए। एक, न्यूनतम मजदूरी के स्थान पर जीविका मजदूरी तय हो। आर्थिक विकास के लिए राष्ट्रीय श्रम नीति बने। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं एवं मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। कार्यकर्ताओं को प्राइमरी स्कूल का दर्जा मिले। पर्यवेक्षक पदों पर भर्ती के लिए शिक्षा के आधार पर आयु सीमा का बंधन हटाते हुए पदोन्नति सुनिश्चित करें। सभी कार्यकर्ताओं का 5 लाख रुपए का बीमा और स्वास्थ्य बीमा कराया जाए। महासंघ का ज्ञापन दे रहे हैं। मध्य प्रदेश से, मतलब पूरे अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन से पूरे इसमें ज्ञापन दिया जा रहा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की अभी तक कोई मांगे पूरी नहीं की गई। अगर हमारी मांगे नहीं पूरी की तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। दिल्ली में सरकार को बता देंगे कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की बहुमत क्या होता है। आशा अमोदय, संयुक्त महामंत्री।